बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे वर्ष जिस तरीके से कोविड की महामारी में सर आपने लैब से लेके टेक्निक्स लेके सब चीज़ों में पर्सनली सभी एमपीस के साथ आपने कनेक्टेड रख के कोई फ़ोन आया तो उन्हें रिकॉल करके उनसे प्रॉब्लम समझ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लैब्स का इम्प्लीमेशन किस तरीके से होना चाहिए, नॉर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोविड में किस तरीके से लोगों की जान बचानी है, उस तरीके से आपने मदद की। पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस सर विथ यू। जब शुरुआत की नोबडी वॉज एक्सपीरियंस कि क्या होगा कोविड में, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, पर आपने सभी लोगों को साथ में लेके उनको साथ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन दिस रिगार्ड मेनी अदर प्रोफेशनल बिलोंगिंग टू मोर देन 15 अलाइन एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंटिन्यू टू रिमेन अनरेगुलेटेड इन दी हेल्थ सिस्टम, जो कई सालों से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अपनी हर जगह जाके नोन करवा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमें भी रेगुलेटर किया जाए, उससे हमारे आने वाले भविष्य में हमें भी कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस मिलेगा, महत्व मिलेगा। उसके लिए जो आपने ये बिल यहाँ पे लाया है, और दिस बोर्डली इंक्लूड प्रोफेशनल कैटेगरीज सच एज फिजियोथेरेपिस्ट, मेनी अदर कैटेगरीज कम्स इन टू दिस, बर्न केयर एंड सर्जिकल एनिस्थीजिया रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, कम्युनिटी केयर एंड बिहेवियर हेल्थ साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, देर हैज़ बीन प्रेजेंटेड डिमांड्स, और सर द परमा मेडिकल प्रोफेशनल एज वेल एज अदर टेक्नोलॉजी एंड थेरेपिस्ट हैज़ बीन फाइनली अकॉर्डेड देर ड्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेजेंटली बीइंग टर्म्ड एज अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ISO 08, अ डिटेल मैपिंग हैज बीन। आपने इतनी अच्छी से इनको मदद करने की, जो बहुत सालों से पेंडिंग था, सर आप खुद एक डॉक्टर हैं तो ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और आज भी हमारे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो 4000 से भी ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी आज भी महाराष्ट्र में वैकेंट है। और आने वाले समय में सर एक पर्सनली और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्थ सेक्टर में हम आज भी देश में, बाकी पूरे वर्ल्ड में हम आज भी बहुत पीछे हैं, तो आने वाले समय में हम मेडिकल को किस तरीके से और बढ़ावा दे सकें जिससे जो लोगों को इससे ज़रूरत है उन लोगों को इसकी फैसिलिटी पहुँच पाएँ। आज मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं बाहर जाके, चाइना जाके, रशिया जाके अपनी एजुकेशन करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों के लिए उतने लेवल का और उतने अमाउंट का सभी मेडिकल पढ़ पाएंगे। बच्चे बहुत मजबूत होते हैं पर वो पढ़ नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए भी आप सोच के आने वाले भविष्य में। और किसी ने कहा कि सिर्फ, सर लास्ट वन मिनट, किसी ने कहा कि इससे और बेटर करना चाहिए, और हमारे सर ने कहा इट इज़ दे आर रेगुलेटर इज़ एंड उनके ऊपर जवाबदारी भी दे रहे हैं कि आपके ऊपर ये जवाबदारी बनती है। और उसके साथ किसी ने, कॉलीग ने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ घोषणा की है फॉर दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ, उनकी इतनी अच्छी भावना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो लोगों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जब मैं अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज लेके गई थी तो उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज ये आपके क्षेत्र में भी होगा और संभावित हर जिले में देश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने का ये सपना प्रधानमंत्री जी का है। तो मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर को बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी।